सभी लोगों को जय मसीह। आज के दिन में हमारा बीजी में आदरणीय पास्टर फिल मुर्मू आए हुए हैं, उसके मुंह से परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे और जीवित वचन को सुनकर हमारा आत्मा को स्ट्रोंग करेंगे, मजबूत करेंगे। और चलिए वीडियो पे और चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिनों में मैं सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहाँ वास करता है, इसके विषय में मैं कुछ बोलूंगा। तो प्रियो, आज इन दिनों में सारी दुनिया डरे हुए है, सारी दुनिया के लोग डरे हुए है, आम जनता डरे हुए है, लिखे पढ़ी लोग डरे हुए है, वैज्ञानिक डरे हुए है, राजगण डरे हुए हैं, अनपढ़ गंवार डरे हुए हैं, हर एक लोग डर से भयभीत है, अपने प्राण के कारण सारे लोग डरे हुए हैं। प्रियो, आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं। तो इन परिस्थितियों में हम अपनी आत्मा शांति के लिए हम क्या करें? हम बेकुल है, हम चिंतित है, पर इन परिस्थितियों में कौन सा मंदिरों में जाकर हम परमेश्वर के निकट दुआ कर सके? प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूं इन दिनों में हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, कहां हमें सुरक्षा मिलेगी, कहां हमें शांति मिलेगी, कहां हमें चैन मिलेगी। हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए। देखिए, इन दिनों में दुनिया के मक्का मदीना वो भी बंद है, वेटिकन सिटी वो भी बंद किया गया है, शिरडी, तिरुपति, तुलजापुर, धरती के सभी देवी देवताओं के मंदिर बंद किया गया है। प्रियो, इस परिस्थिति में आप कहां जाओगे, किसके निकट जाओगे, कहां आपको चैन मिलेगा? प्रियो, आज मैं कुछ बताना चाहता हूं। सारे मंदिर को जब बंद किया जाता है तो इस परिस्थिति में पवित्र वचन बाइबल ऐसे कहता है, पहला कोरिंथियों के पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसी में नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम पवित्र मंदिर है। मक्का मदीना वो तो नसुआर मंदिर है, वो तो मनुष्य की सृष्टि है। वेटिकन सिटी वो तो मनुष्य के बनाया हुआ है। शिरडी, तिरुपट्टी, तुलजापुर, जो भी दुनिया के बड़े बड़े मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, वो तो मनुष्य का बनाया हुआ। परंतु परमेश्वर के मंदिर हम है। परमेश्वर ने आपको और मुझे सृष्टि किया है और परमेश्वर के मंदिर आप और हम है। प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूं ऐसे एक कहावत है, खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, परमेश्वर है बंदे इंसान में मिलेगा। वो तो इंसान पर है, वो तो हमारे हृदय पर है। तो प्रियो, आप ना डरे, आप भयभीत ना हो, करुणा वायरस से आप भयभीत ना हो, संकट में आप भयभीत ना हो, कोई भी क्लेश आए आप भयभीत ना हो। चर्च आपके लिए बंद हो जाएंगे, मंदिर आपके लिए बंद हो जाएंगे, मक्का मदीना आपके लिए बंद हो जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर बंद हो जाएंगे,
परंतु मंदिर आप हो, आपके अंदर जिन्होंने आपको सृष्टि किया है वो आपके अंदर रहता है, वो रहना चाहता है। तो उसके लिए आप क्या करें, मंदिर को आपको साफ सुथरा रखना है। यहाँ पर आदि पुस्तक उसका 6:5-6 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य परमेश्वर ने मनुष्य पर दृष्टि किया और मनुष्य के हृदय को देखा और उनके हृदय में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सारे ही सारे बुराई ही उत्पन्न होता है। तो प्रियो, आज हमारी हृदय के जो सोच है, हमारे हृदय को जो विचार है, मनुष्य के हृदय में जो विचारे हैं, जो सोच है, सारे मनुष्य के विचार बुराई से भर गया है। आज हमारे हृदय को शुद्ध करना है, बुराई विचार को छोड़ना है, बुराई विचार को त्यागना है, अपने हृदय को पवित्र करना है। परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि किया और मनुष्यों के देखा और उनके हृदय के जो विचार है वो बुरा ही बुरा उत्पन्न होता है। प्रिय मित्रों, आज मनुष्य के हृदय जो मंदिर रूपी है, इस मंदिर में परमेश्वर रहता है, जिंदा मंदिर है, ये कोई बंद नहीं कर पाएगा, ये सरकार बंद नहीं कर पाएगा इस मंदिर को, ना दुनिया इस मंदिर को बंद करेगा, ये तो परमेश्वर की जिंदा मंदिर है। तो इस मंदिर को आप पवित्र बनाए रखें, इस पवित्र विचार जो आपके हैं, तमाम बुरे विचार, तमाम जो पाप, जो तमाम पाप पाए जाते हैं, व्यभिचार, मतवालापन, लीला कीड़ा, दा, ईर्षा, निंदा, इस प्रकार की पाप आपके हृदय से उखाड़ फेंकना है और आपके हृदय को अर्थात इस मंदिर को पवित्र बनाए रखना है। तो परमेश्वर जिन्होंने आपको सृष्टि किया है, मुझे सृष्टि किया है, सारे सृष्टि को सृष्टि किया है, वो आपके हृदय में आएंगे, आपके अंदर रहेंगे और आपको सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। जो भी रोग है, जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, जो भी दुख संकट हो, वो परमेश्वर आपको सुरक्षा करेगा, क्योंकि आप सुरक्षा पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, सुरक्षा आपके हृदय, आपके मंदिर रूपी मंदिर में परमेश्वर को आप वो स्थान देना है। बाइबल के पवित्र वचन कहता है, भजन संग्रह उसका 121:7 कहता है, परमेश्वर तुझे सारे विपत्तियों से तुझे रक्षा करेगा और तेरा प्राण को भी रक्षा करेगा। और भी भजन संग्रह 91:10 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे घर के अंदर आएगी। हालेलुया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यदि परमेश्वर आपके हृदय में बस गया, आपके हृदय को पवित्र आपने बनाया, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको सुरक्षा करेंगे, आप ना डरे। वचन कहता है परमेश्वर आपको सुरक्षा करेगा, आप उसी से डरे। मत्ती लिखित सुसमाचार 10:28 में इस प्रकार लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। आप कोई रोग से ना डरे, ना कोई मनुष्य से डरे, पर परमेश्वर से आप डरो और अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय में परमेश्वर के वसने दो, अपने हृदय में परमेश्वर के जगह दो,
आपके सोच को बदलो, आपके विचार को बदलो, आपके बातों को बदलो, तो परमेश्वर आपको जरूर सुरक्षा करेगा। आप ना डरे, परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। आमीन। के द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छा वचन सुनने को मिला है, तो कमेंट बता दीजिए वीडियो कैसा लगा है, ताकि और भी हम लोगों को मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहे। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।